हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, गाइस कैसे आप सब लोग। सो अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं। तैयार इसलिए हो रहे हैं कि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं आज की बजट के ऊपर। लेडीज कह रहा हूँ, लेना भी तैयार हो गया है लेडीज। हाँ लेना ऑफ कोर्स लेडीज है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। हे बॉयज एंड गर्ल्स, तो लेना तैयार हो रही है। क्या करूँ मैडम, तुम मैं अपने आप को सही कर रही हूँ। मेकअप में क्या क्या लगा रही हो तुम? क्या मुझे आंखें बनानी है। आंखें बनी बनाई होती हैं। ऐसे हो गए आंखें कि दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो लड़कियों को मेकअप बहुत पसंद होता है, लेकिन हमारी लेना मैडम जो है इनको मेकअप में बस क्या करती है, ये तो ये आंखों पे वो ऐसे ऐसे कुछ लगाती है, आईज पे ना, पलकों पे। हाँ हाँ। और दूसरा क्या कहते हैं ये आई शेडोज बस। जबकि मुझे पसंद है कि कम से कम लिपस्टिक वगैरह लगाए, लेकिन ये वो भी नहीं लगाती। तो ये क्या आज लगाऊंगी? हाँ तो आज मेकअप अच्छे से करके हम आते हैं आपके सामने, हम लाएंगे बजट। तो हम लोगों को आपको बजट बताएंगे कि हमारा हर महीने का खर्चा कितना आता है। बहुत लोगों के क्योंकि क्वेश्चन हो, ये कौन है भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साथी सात्विक, सात्विक सुमात्री नचो, सुमात्री इज दिस। ओह देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बच्चों के हाथ में मोबाइल देना ना अपनी ही प्रॉब्लम खड़ी कर देनी है। ओह कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? सात्विक खुदा यूट्यूब, अबे यूट्यूब मेरी वीडियो देख लेकर। सात्विक ये खेल ले, ये देखो गाड़ी, इसमें गाड़ी चलाएंगे। देखो गाइस अभी तो मोबाइल हमने इसलिए ही दिया है क्योंकि ये हमारे को वीडियो बनाने में डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम मोबाइल इसको छीनेंगे तो ये देगा नहीं, गारंटेड है। तो अभी तो यही है कि चलो यार लग जा तो अपना कर ले कुछ, कि हम आराम से वीडियो बनाएं और आपको अपना बजट बताएं। प्लस एक वीडियो में मैं अपने आप के बारे में भी बताने वाला हूं आप लोगों को कि मैं यहां कब आया, कैसे आया, क्यों आया, और अभी तक की मेरी जो जर्नी है अभी तक की, लाइक मेरे यूट्यूब शुरू होने तक की क्या मेरी वो है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तो आगे शुरू करते हैं फिर। प्लस आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया हो तो, राइट नाउ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सामने डिस्क्रिप्शन पे आ रहा होगा इंडियन लाइफ इन नेशन स्टाइल, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेना जल्दी आ जाओ मेकअप की देवी, लेना आ जा भैया, कब शुरू करेंगे वीडियो? दरवाजा बंद कर दो, कभी साथी हमें डिस्टर्ब करे वीडियो बनाने में मतलब यार। तो ये लेना तुम बजट ही बताने आई हो ना पक्का। प्लस हम एक वीडियो और भी तो शूट करने वाले आज। आज कौन से? उसका प्रीवोध करना ना, हमें उसको ट्रांसलेट करना है। माशूका। हाँ ये एक्चुअली मॉस्को कुछ और गाना था, लेकिन ये हो गया है माशूका। ठीक है बेटा, देखेंगे सबको देखेंगे। आज इधर आ जाओ, हम यहाँ बैठ के, अब यहाँ बैठ जाए तो मान लिया हमने। हाँ स्टेज बनाया बढ़िया एकदम। तुम वैसे सच में बहुत ही नॉटी लग रही हो। कुछ लोग गंदी कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे को जहां तक लगता है। तो करेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे अपना बजट, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को मैंने लिख रखा है। तो लेना से पूछता हूँ और आपको बताते हैं कि हमारा यहाँ हर महीने का बजट कितना आता था और अब कितना आता है, कि अभी कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन है। हाँ। हमारे खर्चे कुछ बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, और चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा सो गाइस अब हमारा जो बजट है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे मेन चीज कि हमारा घर का किराया कितना है, तो कितना किराया है? सबसे पहले हमारा ये खुद का घर है, फिर भी कुछ खर्चा आता है। तो मैं नहीं, कम से कम ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि भैया कितना रेंट है इस फ्लैट का। तो ये जो हमारा टू रूम का जो फ्लैट है विद बालकनी टॉयलेट बाथरूम, आपने हमेशा मेरे कई ब्लॉग्स में देख रखा है, तो इसका हमारा खुद का, ये खुद का है तो इसका कोई रेंट नहीं है, ठीक है। तो अपने का कोई रेंट नहीं होता। हाँ कुछ जो टैक्सेस है सिर्फ इस घर करके, वो लेना बताएगी। हाँ सबसे पहले कि शुरुआत में 1 तारीख से 10 तारीख का एक बिल आता है, ये है इंक्लूडेड है पानी का खर्चा, ये जो सफाई का खर्चा इस बिल्डिंग का, फिर जो रेस्टोरेशन काम होता है कभी कभी हम देते हैं, तो हमारे फ्लैट के लिए 7,000 का लगभग आता है हर महीने। 7,000 रूबल राइट नाउ, 7,000 रुपीज ही है, अभी डॉलर ऊपर नीचे चल रहा था, अभी जो मैंने देखा है प्राइस बिल्कुल लगभग सेम ही है। तो 7,000 से 8,000 रुपया हमारा घर का एक हाउस टैक्स और जो सारी कुछ है ना, बिल भी है इसमें, कौन सा बताया जो बिल आता है
बिल तो बिल ही हो गया, नहीं कौन सा बिल, पानी का भी बताया ना, पानी भी इंक्लूडेड है इसी के अंदर प्लस बिजली भी। नहीं बिजली अलग है, बिजली अलग है, बिजली का बहुत ध्यान से सुनना। नंबर टू बिजली का, नंबर टू बिजली, हमारे घर का पड़ता है वो भी 600 से 800 तक बस आता है। 600 और 800 रूबल, समझ गए, जिसके अंदर हमारा जो गैस है वो इलेक्ट्रिक है, फ्रिज टेलीविजन सब कुछ इलेक्ट्रिक है। हमारा चाइनिक जो कैटल होती है, टी कैटल, वो खूब चलती है, ह्यूमिडिफायर रखा हुआ है वो चलता है, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत इलेक्ट्रिक यूज होती है। लेकिन रशिया के पास इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा, बहुत इलेक्ट्रिक है रशिया के पास। अच्छा मैं कुछ लेना से हेल्प लेना चाहूंगा कि अब पकड़ेगी, लेना, पकड़ो बेटा, यहाँ से पकड़ो, अरे यहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से, सही से पकड़ो। ये क्या है, आ रहा है सात्विक पीछे, oh my god, सात्विक आ रहा है। तो नंबर थ्री, नंबर थ्री इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट का बिल कितना है, वो डिपेंड्स कि कौन से टैरिफ आप यूज करना चाहते हैं। हम पे करते हैं 399 रूबल, मान लो 400 महीना, 400 रुपए महीना है, जिसके अंदर 100 Mbps की हमारे को स्पीड मिलती है, बेहतरीन है। मैंने कभी भी कुछ चीज आज तक डाउनलोड करके नहीं देखी है, मैं मूवीज वगैरह सब ऑनलाइन ही देखता हूँ, सीधे एकदम सीधे लगाओ और चालू करो, देखते रहो। हाँ, कम से कम अनली में सबके लिए वाईफाई, या और नंबर फोर टीवी, टीवी भी है, टीवी 200 रूबल महीना। अच्छा हाँ, टीवी का बिल भी है, टीवी का है 200 रूबल, लेकिन उसके साथ प्लस हमारा फोन जो है डॉट फोन, फोन, ओ फोन भी अलग 240 रूबल है महीना। एक सेकंड, मैं ये सब टोटल भी लिख लेता हूँ ना, है ना, हाँ। कि बाद में आपको टोटल पता चल जाएगा कितना बजट। हमने भी एक बार भी काउंट नहीं किया कि टोटल कितना होता है। हम आज स्पेशल आप लोगों के लिए बता रहे, क्योंकि कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगा, टेंशन बहुत ज्यादा है। 7000 प्लस प्लस 800 बिजली, 800 या 700 मानो, 800 लिख लो, 800 ठीक है, प्लस 200 टीवी, 200 प्लस 400 इंटरनेट, प्लस 240 किसका, फोन, फोन का तो बता तो दो, मैं बता चुका हूँ। अच्छा, बता दिया, ठीक है, फोन के लिए नॉर्मल, ओके बस। और एक दमा फोन होता है जो दरवाजे के नीचे है, हाँ, जो हमारा जो एक है, जो हमारा जो एक फोन है, जो अगर नीचे हम बेल बजाएंगे तो हमारे घर में फोन लगा हुआ है, वो फोन हम उठाएंगे और यहीं से अपना गेट खोल देंगे कि कोई हमारा गेस्ट आता है तो, ठीक है, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका हमारे को बिल आता है मंथ का, मंथ का नहीं, वहाँ 600 पूरे साल का। अच्छा 600 रूबल समथिंग उसका पर ईयर है, पूरा ईयर है, तो ये हो गया। चलो सात्विक को भी ले लेते हैं। सो जी, हमारा ये शैतान सिंह भी आ गए हैं, हमारा सबसे बड़ा खर्चा, सबसे हमारा बड़ा खर्चा तो यही है। तो खर्चा नहीं यार, देखो ये तो मजाक है, लेकिन तुझे बताते हैं सात्विक, बताओ सात्विक, मन बताओ, बल्कि लेना तुम बताओ सात्विक का, क्या सात्विक का खर्चा कितना, हाँ, आता है सात्विक का कितना, हमने काउंट किया 15-20 हजार हर महीना आता है, 15-20 हजार सात्विक का खर्चा। तो कितना लिखूं, 15-20 हजार है तो यानी 18,000 लिख देता हूँ, ठीक है, 18,000 मैंने सात्विक का लिख लिया है, प्लस मेरा फोन बिल 500 रूबल, मेरा भी प्लस लेना का फोन बिल 500 रूबल, ठीक है, 5,000 आ गया था। अब हुआ ट्रांसपोर्ट का, अगर हम नॉर्मल डेज में देखा जाए तो मेरा ट्रांसपोर्ट का जो है 2,500 रूबल है, सब चीज का एक कार्ड बन जाता है वो मंथ में, कितना भी मैं उसको यूज करूंगा, मेट्रो, ट्रेन, बस, ऑटोबस, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रेन, जितने भी हैं सबका मेरा जो बिल है उसका लगता है 2,500 रूबल प्लस। मेरा मंथ का वहां तक मैं सिर्फ ट्रेन यूज करता हूं, 240 एक हफ्ते, 240 में उसको, साथ को देखो साथ को, फिर आप हमारा घर का राशन पानी, मेल हमारा तो वो आएगा ना, ग्रोसरी, ये हमने कभी काउंट नहीं किया, एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। लाइक अगर सात्विक का 18,000 आ रहा है तो हमारा जो खाने पीने का है वो भी 25 होगा, 22-25 क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर, हाँ है ना, कितनी चीजें होती हैं यार, खाना पीना सब कुछ, उसमें अल्कोहल भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम लोग चॉकलेट, चॉकलेट का खर्चा लेना का है, चॉकलेट सात्विक नहीं खाता ना मैं खाता हूँ, तो ये सब चीज का हम मिला लेते हैं 25,000, ठीक है, प्लस पेट्रोल डीजल अभी हम लोग नहीं लगा रहे इसमें, ये सब क्योंकि घर का खर्चा है, तो ये हमने जो खर्चा लगाया है ये खर्चा हमारा टोटल आया है, बहुत कम आया है, 56,640, ये हमने इतना मोटा मोटा लगाया है कि हमें
शायद हमने कुछ छोड़ा तो नहीं, कुछ छूट तो नहीं है? वो छोड़ा किया, हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट भी है, वो जो हमने ले लिया। कौन सा सामान हमने ले लिया, हमें हर महीने देना पड़ा। हाँ वो भी है, राइट राइट। आपको याद है कि वो नोटबुक लिया था मेरे को लेना ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था? अगर याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना, मेरा प्लेलिस्ट है पूरा, उसमें देख सकते हो मेरे बर्थडे पे जो लेना ने गिफ्ट करा था मेरे ही खर्चे से, क्योंकि उसको पे मुझे ही करना था। उसका पर मंथ हम 8000 रूबल देते हैं, है ना। बहुत अच्छा तरीका है, वो है रसरोज का। रसरोज का होता है 0% इंटरेस्ट पे, आप कुछ भी सामान खरीद सकते हो। उसमें क्या होता है कि बस रशियन पासपोर्ट होना जरूरी है। जैसे लेना तो इसने खुद ही खरीदा और मेरे लिए मैकबुक फोन और हेडफोन जितने भी सब था, तो उसका जितना बिल था वो अब हमें 15th मंथ तक देना है। नहीं, 12 मंथ तक देना है, पर मंथ 8000 रूबल। तो इसको अगर हम प्लस कर लेते हैं 8000 रूबल, अभी हमारा कम से कम मंथ का चल ही रहा है, ठीक है। अभी बिल पूरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी 64,640 अभी तक हमारा बिल आया है, बहुत सही है, इनफ है। एक्चुअली हमारे नॉनवेज ज्यादा यूज नहीं होता है तो इसलिए खर्चा कम है। एक सेकंड, मेरा हाथ दर्द हो गया, लेना पकड़ेगी अब। सो अब लेना पकड़ेगी, हाँ जी। तो 64,640 ये बिल आया, तो ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर देखी जाए कुछ गिफ्ट और ये सब आइटम, ये चीज तो हम ज्यादा ध्यान देते नहीं। हमने पहली बार, सच बताऊं ना, पहली बार ये हमने बजट ऐसा लगाया है कि ये भी कुछ खर्चा आता है। जो तुम मेरे पास आ जाओ सात्विक, देखो अब सात्विक, सात्विक उधर देख, वीडियो बन रही है, वीडियो वीडियो स्मात्री अगर मैं इसको मैक्सिमम भी कर देता हूँ तो शायद 70,000 मान सकते हैं इसको, ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा नहीं है मॉस्को रहने के लिए, ये ज्यादा नहीं है। हाँ मॉस्को रहने के लिए ज्यादा नहीं है। प्लस हमारा कुछ ऐसा वो भी नहीं होता कि हम कंट्रोल करते हैं बजट पे, हम खूब खुल के खर्चा करते हैं। कभी कुछ खरीद रहे हैं कपड़े वगैरह सब, अब हर इंसान हर महीने तो कपड़े खरीदता नहीं है। अच्छा अगर देखा जाए इस महीने का खर्चा, इस महीने का इस जो महीना गया है जिसमें लॉकडाउन गया है पूरा, हम लोग घर में रहे हैं, तो उसका खर्चा ना बहुत कम आया है, बहुत कम क्योंकि हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं खरीदे, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं खरीदते, कुछ नहीं खरीदा। मैंने तब तक फोन का बिल भी नहीं दिया मेरे को फोन का बिल भी वो करना है, क्योंकि मैंने अपने एक चीज देखी कि मैंने अपने कार्ड से इतना खरीदा नहीं। वैसे तो हाँ खर्चा हो रहा है क्योंकि घर बैठे हुए सिर्फ खा रहे हैं, इतना भी नहीं खा रहे क्योंकि डाइट अपना आप कम हो गई है, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे, बॉडी को एनर्जी इतनी चाहिए नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। और जो अभी लॉकडाउन में कुछ नए रूल आए कि किराए में अगर लेट पेमेंट करते हैं तो कुछ फीस आते है, ऐड करते हैं अगर लेट पेमेंट के लिए, और इस बार नहीं होगा। अच्छा, कभी भी पे करो। ओके ओके, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो आपको फाइन लगता है। हाँ, फाइन नहीं, अब फाइन नहीं लगेगा, ये अच्छा फायदा, इसलिए मैंने सिर्फ आज पे किया और कुछ रशियंस को ये भी फायदा दिया ना, 19,500 रूबल दिया है। चलो वो तो हमारे वो हमारे बजट की वीडियो नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, और आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, हमारी ये चीज अच्छी लगी हो, तो हमें बिल्कुल लाइक के तौर पे पसंद कीजिएगा। चश्मा तोड़ दे। सो गाइस, मैंने चश्मा क्यों लगाया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ये क्या कंटिन्यू फोन मोबाइल और ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आंखों में ना शायद नजर कमजोर हो रही हो या उस वजह से सिर दर्द होना शुरू हो गया था, तो मैंने इसलिए अपने कंप्यूटर वाले ये लगा लिए। ये मैंने 2015 में खरीदा था कि थोड़ा खरीदेंगे, लेना भी इस वजह से लेना ने साथ में खरीद लिया था, तो मैंने सोचा चलो अब दोनों ही लगा लेते हैं और आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि आप लोग सब घर में हो, कई लोग पबजी में ज्यादा खेल रहे होंगे, मैंने सुना है बहुत गेम वेम चल रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा जो कंप्यूटर ग्लास होते हैं इनको यूज करना चाहिए, अच्छा होता है कि आपको नजरों को सीधे वो नहीं देगा। बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल ना दें, बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें। और दूसरा बस हमें लाइक करें, और कुछ ऐसा सुझाव हो नया कोई वीडियो बनाने के ऊपर तो कमेंट करें, सात्विक मस्ती कर रहा है और आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आगे हमें देते रहे। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं तो बोलता रहूंगा, तुम तो कुछ बोलना मत, तुम तो बोलो कुछ, तुम बोलते रहे तो बोलते रहे, मैं क्या बोलूं, तो तुम बोलो। आप लोग हमें सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल देखो, लाइक करो, ना पसंद तो डिसलाइक करो, कुछ भी करो नहीं डिसलाइक मत करो यार ठीक है, आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए नचिदानिया सातिक, नचिदानिया तो कह दे